Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study about the Earth Overshoot Day. आप लोगों का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में. और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थ ओवरशूट डे के बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड द अर्थ ओवरशूट डे. वी रेड दिस टॉपिक इन द हिंदू न्यूज़पेपर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन अर्थ ओवरशूट डे? अर्थ ओवरशूट डे इज नॉट अ डे टू सेलिब्रेट. It is a day which marks the date when humanity's demand for ecological resources and services in a given year exceeds what Earth can regenerate in that year. ये कोई ऐसा डे नहीं है कि आप पार्टी करोगे, सेलिब्रेट करोगे. नहीं, ये डे है आपकी आंखें खोलने का डे. इस दिन क्या पता चलता है कि ह्यूमैनिटी की जो डिमांड है नेचर के सर्विसेज की, नेचर के रिसोर्सेज की एक पर्टिकुलर ईयर में, वो नेचर कितना रीजनरेट कर सकता है उससे ज्यादा हो गई है. यानी कि नेचर रीजनरेट करे उससे ज्यादा तो डिमांड है लोगों की रिसोर्सेज की. तो क्या होगा? रिसोर्स डिप्लीशन होगा ना. व्हाट विल हैपन? द रिसोर्सेज विल डिप्लीट. नेचर कैन नॉट टेक दिस एक्सट्रीम प्रेशर एंड बर्डन व्हेन योर डिमांड्स आर एवर इंक्रीजिंग एंड यू आर जस्ट टैपिंग नेचर अंडर योर फीट. आप अपने पैरों तले नेचर को जब कुचलने लगते हो, ठीक है, वो है आपका रियलाइजेशन का डे, अर्थ ओवरशूट डे. अभी हो क्या रहा है, आप मानो या ना मानो, हम में से हर कोई सात्विक लाइफ नहीं जी रहा है. आप बहुत लोग ऐसे हैं, 99% पीपल आर सच दैट दे टॉक वेरी बिग, बहुत बड़ा बोलते हैं प्लास्टिक और ये और वो, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल एक्ट, जब असल में काम करने की बारी आती है, तो वो सबसे पीछे होते हैं. सिर्फ बोलने के राजा हैं, करने के नहीं. ऐसे ही आप लोगों को पता है, यू ऑल नो व्हाई प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर अस, नॉट जस्ट फॉर अस, द मरीन लाइफ फॉर्म्स आल्सो. यू ऑल नो द रिसोर्सेज ऑफ द नेचर ऑफ द मदर अर्थ दैट वी आर एक्सप्लॉइटिंग, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन. व्हाई? बिकॉज यू आर मोर इनटू कंजम्पशन. आप कंजम्पशन में ज्यादा हो. हमें मिल जाए, देना नहीं है पलट के, हमको मिल जाए बस हमें. एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज लाइक दैट, 99% पीपल आर लाइक दैट. ओनली 1% दे थिंक अबाउट द एनवायरमेंट, मदर अर्थ, नेचर. ओनली दोज 1% ट्राई टू लिव अ सात्विक लाइफ. आप में से 99% लोग हैं जो सात्विक लाइफ सुनते ही हंसते हैं, नकार देते हैं चीजें. उन्हें मदर नेचर ऑक्सीजन दे रही है, मदर नेचर आपको इतने रिसोर्सेज दे रही है, उन सबको आप फॉर ग्रांटेड लेते हो. और यही अर्थ ओवरशूट डे वाले दिन हमें रियलाइज कराने के लिए ये डे रखा गया है. अर्थ ओवरशूट डे इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय GFN. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम व्हाट इज GFN? GFN इज, राइट इट डाउन, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क. अंटिल एंड अनलेस वी टेक द करेक्ट steps, we indulge in the correct actions, we cannot protect Earth. तभी तो दूसरे planets की, दूसरे ग्रहों की खोज चल रही है. Earth को तो बर्बाद करके रख ही दिया है, चलो अब दूसरे planets को populate करेंगे, अब वहां भी बर्बादी मचाएंगे. ये नहीं कि अपने Earth को वापस से preserve करें, इसको conserve करें, इसको protect करें. ऐसा तो बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग सोचते हैं. So this GFN is an international research organization which provides the decision makers with a menu of tools to help the human economy operate within Earth's ecological limits. ये organization ऐसे solutions, ऐसे measures बताती है जिससे आप Earth के resources को ecological limits के अंदर अंदर use कर सको. Before we move ahead, here's a small announcement for all of you. An academy has launched the Mentorship Week. Now, this week is from 29th of July till 4th of August. Already today is 2nd August, two more days are left for this mentorship week. What you need to do is, if you take GS plus optional combo pack on Unacademy, agar aap GS plus optional ka subscription Unacademy pe lete ho, combo subscription, the combo one, okay, the links are given below in the description box. So what you will get prelims test series, you will get mains test series, you will get prelims classes, you will get mains classes, you will get optional batches, आपका जो भी optional है उसके आपको batch मिलेगा, you will get optional test series and you will get personal coach if you take this subscription on Iconic Plus.
अगर आप आइकॉनिक अनअकैडमी प्लस का कॉम्बो पैकेज ले रहे हो तो आपको ये पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको हैंड होल्ड करेगा, यानी कि यूपीएससी में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आपको आपके साथ रहेगा, इंडिविजुअल अटेंशन सिर्फ आपको दिया जाएगा। एंड योर बैचेस विल बी एक्सटेंडेड टिल योर मेंस अटेम्प्ट, जब तक मेंस नहीं दे रहे थे आपके बैचेस की एक्सेसिबिलिटी आपके पास रहेगी। ओके, नाउ हियर द ऑप्शनल बैचेस विच आर वर्थ 27,500, यू विल गेट देम इन जस्ट रुपीज 2,000 इफ यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन। एंड 45,000 की जो टेस्ट सीरीज है प्री मेंस ऑप्शनल की, वो आपको फ्री मिलेंगी इस सब्सक्रिप्शन के साथ। सो दिस इज टिल 4th अगस्त ओनली, ये ऑफर जो है ना सिर्फ 4 अगस्त तक है, तो मेक श्योर दैट यू टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। आपके 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता10। ये मेंटोरशिप वीक ना आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर वैलिड है, ठीक है? So make sure that you subscribe today. The links are given below in the description box. So when we study about the Earth Overshoot Day, now here, according to Worldwide Fund for Nature, humanity has used up all the biological resources, all the natural resources that Mother Earth provides us, that our planet regenerates during entire year. So 29th July 2021 तक क्या किया है अर्थ पे, जितना भी अर्थ रीजनरेट कर सकता है उससे उस उतने क्वांटिटी से ज्यादा रिसोर्सेज की हमारी डिमांड हो गई है, उतना उससे ज्यादा हमें यूज अप कर लिया है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को। So, the humanity currently uses 74%, this is not a small number, mind it, 74% से ज्यादा ह्यूमैनिटी ने इस वक्त प्लैनेट की इकोसिस्टम के द्वारा रीजनरेट किए गए रिसोर्सेस को यूज अप कर लिया है। नाउ हियर व्हाई एम आई सेइंग दैट वेरी स्टर्नली दैट यू नीड टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। प्लास्टिक आपके घर में एक भी थैली है ना तो आप एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो। अगर आपके घर में एक भी थैली प्लास्टिक की रहती है, यानी कि आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो मदर अर्थ के बारे में। नाउ सी, व्हेन योर मदर इज हर्ट और व्हेन योर ओन मदर इज सिक, यू tend to take care of her, you leave all the things aside and you just focus on taking care of her, right? So why you are not that vigilant and that protective when it comes to Mother Earth, जो आपको रहने के लिए जमीन दे रही है और ऊपर आपके सर पे आसमान दे रही है, जो आपको हर रिसोर्स, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई यूज करने के लिए प्रोडक्ट हो, मटीरियल हो, वो सब फ्री में प्रोवाइड कर रही है, तो फिर क्यों वो कुछ चार्ज नहीं कर रही है आपसे, कुछ पैसे आपसे नहीं ले रही है मदर अर्थ कि मुझे इतने पैसे दो। तब पैसे का कॉन्सेप्ट इंसान ने बनाया है, मदर अर्थ ने शुरू से फ्री में सब कुछ दिया है और रीजनरेट भी करती है आपके लिए रिसोर्सेज, तो फिर उसकी इतनी बेकदरी क्यों, उसको इतना साइडलाइन क्यों करना, उसको नकारना क्यों? अगर आप इस लेवल पे सोचते हो तो आप इंसान हो, अगर आप इस लेवल पे नहीं सोचते तो आई एम अफ्रेड कि इंसानियत जिंदा है या नहीं, क्योंकि जो हमें सबसे ज्यादा दे रही है वो है मदर अर्थ। ओके, तो ह्यूमैनिटी करेंटली जितना प्लैनेट रीजनरेट कर सकता है ना अपना, उसके 74% ज्यादा तो हम यूज अप कर रहे हैं। सो देयर इज इकोलॉजिकल डेफिशिएंट स्पेंडिंग। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट अर्थ ओवरशूट डे? अर्थ बायो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जितनी अर्थ की कैपेसिटी है रीजनरेट करने की, डिवाइडेड बाय जितना ह्यूमैनिटी अपना यूज अप कर रहा है, इनटू 365, दैट गिव्स अस द अर्थ ओवरशूट डे। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर प्रीलिम्स, the remainder of the year corresponds to global overshoot. Okay, now for prelims, aim of this particular topic is you need to understand about environmental conservation, the steps to be taken to protect the environment and mother nature. Now earth overshoot day involves a concept of ecological footprint. अर्थ ओवरशूट डे में ना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट करके एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है ये, व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजिकल रिसोर्स, प्लीज राइट इट डाउन, ये बायोलॉजिकल रिसोर्स है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजिकल रिसोर्स विच अकाउंट्स, राइट इट डाउन, अकाउंटिंग मीट्रिक, विच अकाउंट्स फॉर द मीट्रिक दैट इज इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द Earth Overshoot Day. So it is a comprehensive biological resource accounting metric which is available. Now this ecological footprint, na, write it down over here. This ecological footprint, it adds up all the biologically productive areas. So what are biologically productive areas? This is important for prelims. The biological protective areas are food, or you can say timber, fibers,
कार्बन, the carbon sequestration, okay, and accommodation of infrastructure. Point clear हो गया? अभी अगर आप देखोगे carbon emissions को, currently जो carbon emissions हैं, जो fossil fuels को जलाकर निकलते हैं, they make up or they account for 60% of humanity's ecological footprint. Okay, so whatever the biologically productive areas that we are using, the total of that and उसका 60% सिर्फ carbon emission से आ रहा है. Now the question is, who collects all this data? I told you in the starting only, the GFN, that is the Global Footprint Network. Okay, this particular organization collects all the reliable data. Sara data yahi organization collect karti hai. Theek hai, yahan tak point clear ho gaya? Now it is determined this year's country's overshoot days using the national footprint and biocapacity accounts edition of the prior year. इस साल का जो calculation हुई है वो इस साल का जो overshoot days है उसको calculate किया गया है based on the last year's usage of the resources. So this was all about the Earth overshoot day. I hope you enjoyed this lecture and I hope now from now onwards you will be more careful when it comes to protecting our Mother Earth.